प्रश्नावली 2.1 किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ये दिया हुआ है ऐसे, और ये हो गया हमारे भाई क्वाड्रेंट चतुर्थांश फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन्होंने कहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ये x होता है, ये x डैश होता है, यानी कि ये प्लस वाला x होता है, इधर प्लस वाली लाइन होती है, 1 2 3 4 5 इनफिनिटी, कितनी भी जितना आपका मन करे, इधर माइनस वाली, माइनस एक माइनस दो, और ये बीच वाला जो पॉइंट होता है इस पे होता है जीरो और जीरो, जीरो और जीरो, ये होता है y प्लस का और ये होता है y नीचे वाला माइनस का। अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 कैसे, हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी प्लस होती है। यहाँ से आपने देखा कि ये एरिया किसका है, x, x की बाउंड्री इसको टच कर रही है, तो कौन सी बाउंड्री टच कर रही है, प्लस वाली, और y की भी बाउंड्री टच कर रही है कौन सी, प्लस वाली, प्लस होती है इधर भी वैल्यू, तो इधर क्या होती है माइनस, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन इस प्रकार से। तो जब इस एरिया की बात करोगे तो इसमें क्या बताते हैं, पहले जो भी लिखेंगे इन दोनों वैल्यू को, पहले x लिखा जाता है उसके बाद y लिखा जाता है, तो इसमें माइनस और प्लस, क्योंकि पहले x लिखा, x की बाउंड्री क्या है माइनस वाली, y की बाउंड्री क्या है प्लस वाली। अब इसकी बात करेंगे तो ये माइनस x की बाउंड्री है और ये माइनस y की बाउंड्री है, माइनस एक ऐसे, माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस और माइनस, इसके अंदर वैल्यू होती है माइनस माइनस, ये ऑप्शन टाइप में भी आ सकता है, इसके अंदर एक दो तीन चार ये प्लस वाली है सारी, तो इसमें पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स, एक्स की बाउंड्री कौन सी है प्लस की, वाई की बाउंड्री कौन सी है माइनस की, उसके बाद माइनस, यानी कि पहले एक्स वाला लिखा जाता है, प्लस माइनस डज नॉट मैटर। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें बताना है कि भाई x के शून्यकों की संख्या बतानी है, x की, हाँ, x के शून्यकों की संख्या, पहले थोड़ा थोड़ा मिटा के चलो, आगे क्या है इसमें ऐसे बताना है, ये दिया है, तो इसमें x को लाइन टच कर रही है नहीं कर रही, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, क्या इसमें x को टच कर रही है लाइन, नहीं कर रही, तो इसका मतलब x के शून्यकों की संख्या जीरो। नंबर वन पार्ट खत्म। सेकंड में, सेकंड में कैसे लाइन दी है, ए नीचे, नीचे से ए ए डी ए, yeah, ऐसे ऐसे, तो कितनी बार टच करके गई, x को, दो x को देखना, सिर्फ x को, x वाली लाइन पे है ना, इसको कितनी बार टच किया, दो बार, तो इसका जितना आंसर आया एक सेकंड बार था। अब थर्ड में, थर्ड में कैसे डायग्राम बना है, तीन एड़ा बेड़ा ऐसे, दो तीन ऐसे ऐसे, अब एक दो तीन तीन, तो इसका आंसर तीन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अब नेक्स्ट दो बार, यो थर्ड में क्या है, थर्ड में टी डी वी लाइन यू आर यू एक्स एक्स डैश, हां तो ऐसे यू बना हुआ है, चलिए फोर है सर, वाई डैश दो दो है जिसमें, फोर है सर, ये फोर्थ है, फोर्थ तो है, तो सर क्या कह रहे हो, कुछ नहीं जी, करो करो, जो सवाल है यार, हां ये फोर्थ सर में कोई नहीं करेंगे, वही तो कर रहे हैं, अब यहां पे क्या है, एक और दो, एक्स को कितनी बार टच करके गई, दो बार, दो बार,
तो फोर्थ का कितना आया? दो। ठीक है, दो आंसर आ गए। अब नेक्स्ट में फिफ्थ सम में इसमें देखना है कैसे बनाया डायग्राम। ये ऑप्शन टाइप में आ सकता है, एक नंबर पक्का आपका इसमें आपको पता होना चाहिए। हाँ, और के नहीं कोई बात नहीं। वाई के शून्य को की संख्या भी पूछ सकते, तो वाई को टच देखना है कितनी बार करके गई लाइन। अब इसमें है ऐसे, इधर से लाइन गई ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, तो इसमें क्या है? एक दो तीन चार, पांचवे का आंसर आया चार। नेक्स्ट नेक्स्ट में कैसे बना है डायग्राम? ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अरे ऊपर फिर नीचे फिर। अब इसमें ऐसी लाइन गई, फिर हर लास्ट में बिल्कुल हल्का टच करके और भाग गई, इसको हल्का टच करके बाद में भाग गई। तो एक दो और तीन, क्योंकि क्रॉस नहीं हुई, अगर क्रॉस होती तो भी एक, टच करा तो भी एक, टच करके उल्टी भाग गई। अगर मान लो ऐसे भागती वो, हमें देखना कि पार गई कि नहीं गई। ठीक है, एक दो तीन तीन। एक्सरसाइज कंप्लीट। यस सर।